दोस्तों क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बीच अगर अभी तक आपके पास कोई डाउट बचा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, जहां मैं आपको ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बीच क्या अंतर है, इन दोनों में क्या फर्क है और कैसे ये काम करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में क्लियर करते हैं अपने डाउट्स को। हेलो दोस्तों, टेक्निकल और फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्रेडिट और डेबिट कार्ड समझने के लिए हम चलिए सबसे पहले बात करते हैं। अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड को लेकर मुझे भी बहुत कंफ्यूजन था पहले, लेकिन अब तो धीर छोटे में बट अब तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो चलिए समझते हैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है और कैसे काम करते हैं। इससे समझने के लिए सबसे पहले हम सिम कार्ड को समझते हैं। जैसे पोस्टपेड और प्रीपेड दो तरह की सिम मिलती है हमें बाजार में, कई सारी कंपनियाँ पोस्टपेड और प्रीपेड सिम देती है। तो अगर हमारे पास एक प्रीपेड सिम है तो पहले उसे हम रिचार्ज करते हैं, मतलब बैलेंस डाल लेते हैं, तो अपने बैलेंस जो हमें उसको फिर हम कॉल कर पाते हैं। लेकिन वहीं पोस्टपेड में क्या होता है कि पहले मंथली यूज करते हैं हम, उसके बाद बिल आता है और उस बिल के पेड करते हैं, मतलब हम पहले यूज करते हैं फिर बिल पेड करते हैं, मतलब दूसरे के पैसे यूज करने के बाद उसे पैसे देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहां क्रेडिट और डेबिट कार्ड में है। अगर आपके पास एक डेबिट कार्ड है, मतलब आपका जो पैसा बैंक में है उसे आप निकाल सकते हैं डेबिट कार्ड से, लेकिन क्रेडिट कार्ड वहीं अलग है, आपको कोई पैसा नहीं लगता, आप पूरा महीने भर यूज कीजिए फिर बिल आया तो बिल जाकर आपको चुकाना है। तो ये सिंपली कॉन्सेप्ट है क्रेडिट और डेबिट कार्ड का। यहाँ पर अगर आपके पास पैसे नहीं है, पर्स खाली है, तो आप डेबिट कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास हो तो आप पैसे निकाल सकते हैं और मंथली होने पर पेड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ गिने चुने लोगों को ही ये क्रेडिट कार्ड का ऑफर किया जाता है ताकि जो पैसे वापस कर सके, कोई किसी को भी नहीं मिल पाता। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड में अंतर आप समझ गए होंगे। क्रेडिट कार्ड मतलब हमारे पास अभी क्रेडिट कार्ड है तो हम पैसे नहीं हैं तो उसे यूज़ करेंगे और मंथली लास्ट में हमें पे करना है। वहीं डेबिट कार्ड अगर हमारे अकाउंट में पैसे हो तभी हम पे कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो बस यही था छोटा सा जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना भूलें, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।